तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों, मूल अधिकारों का जो हमारा चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और हमने ऑलरेडी आर्टिकल 19 तक को देख लिया था और आर्टिकल 19 से संबंधित एक मुद्दे को भी हमने देखा था कि जैसे आजकल हाल फिलहाल कानूनों के विरुद्ध में एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उससे संबंधित विषय को हमने देखा था कि क्या कारण होते हैं उनके और ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे इस तरह की समस्याएं ना उत्पन्न हो। उसके बाद में हमको और भी इसमें कुछ मुद्दे देखने थे, जैसे सरकार ने जब आईटी एक्ट 2000 ले आया था और तो इसको भी एक तरह से, इसके भी कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसका राजनीतिक दलों के द्वारा काफी दुरुपयोग देखने को मिला, काफी समय समय पर देखने को मिलता रहा है। तो हालांकि आज के समय में उसको क्या किया गया है, अमान्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब वैसी संभावना तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा ये भी बन गया था। देखिए, आईटी एक्ट 2000 जो लाया गया था इसका उद्देश्य क्या था, जानते हैं हम लोग डिजिटलीकरण की दुनिया में प्रवेश कर ही चुके हैं, सारी चीजें डिजिटलीकरण हो रही है, तो एक तरह से डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देने का, जितने भी लीगल फॉर्मेट थे, पेपर वगैरह थे, उनको एक तरह से वैधानिक रूप में कागज के रूप में साक्ष्य की तरह से रखने के बजाय डिजिटल रूप में साक्ष्य रखने के लिए, सूचना एवं संचार तकनीक का बेहतर तरीके से, वैध तरीके से प्रयोग किया जा सके, इन सभी उद्देश्यों के थ्रू इसको लाया गया था, जिसके लिए इन उद्देश्यों को पूरा करना था। साथ ही कई प्रकार के जैसे सोशल मीडिया वगैरह है तो उसमें किसी की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां वगैरह की कर दी जाती हैं, तो उसमें अगर चीजें जरूरत से ज्यादा हो रही हैं, कई बार उसमें क्या होता है कि दंगे वगैरह भड़काने की साजिश भी कर दी जाती है, तो इन सब चीजों से को दूर करने के लिए इस तरीके की प्रावधान की आवश्यकता थी और इसे लाया भी गया। लेकिन इन प्रावधानों में से दो प्रावधान थे सेक्शन 66 के और 67 के, जिसमें क्या कहानी थी कि यदि कोई व्यक्ति कैसे कोई कार्टून बनाकर या फोटो वीडियो के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति की अगर बात करता हो कि विरोध करता है तो राजनीतिक दल क्या करते थे, उसको तुरंत पुलिस से पकड़वा देते थे। इसके उदाहरण भी देखने को मिले, जैसे जब महाराष्ट्र में बालाजी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में कुछ लड़कियों ने एक पोस्ट कर दिया था कि ये डर की वजह से, उनके अंतिम संस्कार की जो भीड़ थी वो सिर्फ डर की वजह से आई थी, तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। ममता दीदी के साथ भी ऐसी क्या कहानी हुई थी कि एक फोटो डाली गई तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया गया, उसको लड़की को जेल में भेज दिया। और भी उदाहरण हैं, यूपी में भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए जब मामले को संज्ञान में लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक स्वतंत्रता दी गई है उसको वरीयता उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट 2000 की ये धाराएं जो है 66 और 67, ये लोगों की जो वक्तव्य की स्वतंत्रता है उसको नुकसान पहुंचा रही हैं और ये गैर संवैधानिक हैं। तो वहां से इन्होंने इस चीज को समाप्त कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से ये मैटर वहां पर क्लोज हो गया। लेकिन कभी अगर कोई पूछ ले इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ये चर्चा में रहा था काफी, और काफी लोगों को अभी भी नहीं पता होती, जानकारी नहीं होती, तो क्वेश्चन तो कभी बन सकते हैं इस तरह से, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आ जाए, किसी चीज से लिंक करके क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास ये तथ्य भी रहेंगे मौजूद। अब हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, हेट स्पीच की। देखिए, कई बार विचारों का मनमुटाव होता है, लेकिन जब विचारों का मनमुटाव इस तरीके से हो जाए कि एक दूसरे के प्रति इस तरीके की जाति सूचक, धर्म सूचक, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे दिए जाएं, कि किसी एक व्यक्ति का के द्वारा इस तरह से वक्तव्य देने से दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक क्षति होने लगे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्षति होने लगे, तो इस तरीके से क्या जो वक्तव्य आ जाते हैं वो एक तरह से हेट स्पीच में चले जाते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, अगर आर्टिकल 19 में तो हमको दो प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें एक है वाक स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जिसमें अगर हम कहें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहते हैं तो कहीं थोड़ी हमको ज्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि अभिव्यक्ति में जैसे शब्दों के उतार चढ़ाव पर भी, बोलने के लहजे पर भी फोकस होता है, शारीरिक भाषा, इशारे, चेहरे के हाव भाव, मुखाकृति के प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन, भावनात्मक प्रदर्शन, संगीत नृत्य इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शन, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, वाक स्वतंत्रता के।
और अगर किसी की जो व्यक्ति हो अभिव्यक्ति होती है, दो तरीके की हो सकती है, एक तो या तो पर्सनल अभिव्यक्ति हो या तो फिल्मों में अभिव्यक्ति हो। तो यदि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो रही है, मतलब दो पर्सन आपस में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। फिल्मों में क्या होता है, कई बार बुरे हुए जो समाज की बुराइयां होती हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। समाज में जैसे छुआछूत की भावना हो गई, जैसे आर्टिकल 15 मूवी आई थी, ठीक है, इसी तरह से एक 375 करके एक मूवी आई थी जिसमें जो फॉल्स रेप को फंसा दिया जाता है, इस तरह से अक्षय खन्ना की एक मूवी थी। तो कई बार इस तरह की क्या होती है कि समाज की आवश्यक जो कुरीतियां हैं समाज में उनको दूर करने के लिए मूवी बनाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि पहले सारी बुराइयों को दिखाया जाता है, तो अंत में फिल्म में जब क्लाइमेक्स तक में पहुंचती है तभी उनका एक तरीके से जो उनके समाधान होते हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर दोनों में अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत की और फिल्मों में, तो सामान्यतः क्या होता है जब दो व्यक्ति बात करते हैं, एक दूसरे को बातें समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो तुरंत ही आपस में हिंसात्मक हो जाते हैं या फिर आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन फिल्मों में ऐसा क्या होता है कि थोड़ा वो वेट करते हैं, फिल्म तुरंत तो रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा सा रिएक्ट देर से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिल्मों में अभिव्यक्ति जब होती है तो ज्यादा एक तरीके से उनको समय मिल जाता है, और एक तरीके से कहें कि वहां पर उतनी आक्रामकता नहीं देखने को मिलती है एज कंपेयर टू व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति क्या भावनाएं प्रदर्शित कर रहा है उसका तत्काल पता चल जाता है, ठीक है, और तत्काल फीडबैक प्राप्त होता है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में तत्काल के विषय शामिल होते हैं और कोई सुधारने के उद्देश्य से घृणा व्यक्त नहीं करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें दर्शकों की समझ के ऊपर निर्भर करता है तथा साथ ही उनकी संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है। फिल्मों में ऐसा होता है और सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं के उभारने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया जाता है, और सेंसर बोर्ड वगैरह के द्वारा इसको ऐसी फिल्मों को कई बार जो जरूरत से ज्यादा होती है तो उनको स्वीकृति भी नहीं दी जाती है या फिर सीन की काट छांट कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दो प्रकार की अभिव्यक्तियां भी होती हैं, और ओवरऑल में कहें तो अभिव्यक्ति जो होती है उसमें वाक् स्वतंत्रता से ज्यादा विस्तार में है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह के बारे में के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर्टिकल 19 तो हमको दोनों प्रकार की स्वतंत्रता देता है और इसकी संवैधानिकता में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इसकी संवैधानिकता में कोई डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही बात क्या हो जाती है कि जब वर्णित स्वतंत्रता अत्यंतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें कई आधारों पर निर्बंधन लगा दिया जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता के विरुद्ध किसी जाति धर्म प्रजाति भाषा इत्यादि के आधार पर असभ्य तरीके से वाक् अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है तो वो घृणा वाक्य बन जाता है और इस पर निर्बंधन है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। आप बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर किसी जाति धर्म भाषा इत्यादि के आधार पर किसी के असभ्य तरीके से किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं, साथ ही आप किसी देश की अखंडता के विरुद्ध भी कुछ नहीं कह सकते हैं जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़े, और ओवरऑल में ये आपको इस हेट स्पीच की आपको संविधान के द्वारा बोलने की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें उसका समाहित उसको नहीं किया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है सद्भाव बिगड़ते हैं और कानून एवं व्यवस्था की चुनौती उत्पन्न होती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कानून और व्यवस्था की जहां पर बात आती है, स्वास्थ्य की जहां पर बात आती है, देश की एकता और अखंडता की जहां पर बात आती है, वहां पर मौलिक अधिकारों पर सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो निर्बंधन कर सकते हैं, और ऐसा यहाँ पर होता भी है। फिल्मों में भी सेंसर बोर्ड के माध्यम से इस तरह से समाज में अगर कोई बुराई प्रकट करनी है, जरूरत से ज्यादा चीजें हो रही हैं, एक तरफा दिखाने के प्रयास होता है, तो सेंसर बोर्ड वहां पर भी अपने काम को अपने जो उनका दायित्व है उसको निभाता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हेट स्पीच की जो इंसिडेंट होते हैं उस पर भी कंट्रोल पाने का प्रयास किया जाता है, प्रतिबंध लगाया दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने अभी देख ली, तो ये हम अभी तक की जितनी कहानी होती है किससे संबंधित होती है, आर्टिकल 19 से, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब हमको नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 20, जो एक तरह से रक्षा उपाय है, रक्षोपाय है, प्रिवेंटिव है, नागरिकों और व्यक्तियों को उनके अधिकारों की क्या देता है, गारंटी देता है, ठीक है। अगर 32 और 20 में
कंपेयर करते हैं आर्टिकल 32 आर्टिकल 20, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आपके अधिकारों पर अगर कुछ प्रश्न उठता है तो आप सीधे संविधान सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको संविधान की तरफ से कुछ रच्छोपाय दिए गए हैं। कैसे रच्छोपाय दिए गए हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे अगर आप कोई क्राइम पास्ट में किए हुए हो, मान लीजिए आपने 2010 में कोई क्राइम किया, कुछ कार्य किया, मान लीजिए क्राइम नहीं किया, आपने कुछ कार्य किया जो हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन उसके लिए उस समय कोई कानून ना हो, कोई कानून ना हो जो उसको ये बताता हो कि आपने उसको क्राइम किया है, और कानून बना दिया जाए 2012 में, तो आपने तो इंसिडेंट जो किया है कब किया है 2010 में, कानून कब बना 2012 में, तो 2012 में बने कानून जो कानून बना है वो पास्ट के इंसिडेंट के लिए आपको दंडित नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी कानून घटना के उपरांत कानून बनाकर भूतकाल की घटना के लिए पास्ट के लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही एक ही अपराध के लिए आपको दो बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अगर आपने एक अपराध किया है, मान लीजिए आपको 6 महीने की सजा हो जाती है, 6 महीने की सजा काट के आ गए, भीड़ निकल रही, मानवाधिकार आयोग निकल गया, ये निकल गया, हो गया नहीं भैया इसको इतने से काम नहीं चलेगा, और दीजिए, तो दबाव में भी आकर इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती, क्योंकि एक दंड के लिए दो बार कोई भी एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अगर अपराध अलग अलग है तो अलग केस है, लेकिन एक ही दंड के लिए दो बार अपराध, एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता है, इससे बचाव दिया गया है। साथ ही किसी व्यक्ति को गवाही देने या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही या किसी के विरुद्ध भी गवाही देने के लिए या साक्ष्य उपलब्ध करने कराने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भी सूरत में, ठीक है। तो एक तरह से कानून के प्रति आपको ये रक्षोपाय है जहां पर आपको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा, अनुच्छेद 20 के द्वारा। आइए अब थोड़ा सा अनुच्छेद 21 को भी देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 19 में आपको अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, वैसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ स्वतंत्रता दी गई है, और वो स्वतंत्रता आपकी जीवन की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके जीवन की स्वतंत्रता से, प्राण देह आत्मा की स्वतंत्रता से, और एक तरीके से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, और उदारवादी चरित्र के लिबर ये उदारवादी चरित्र के हमारे हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति को सशक्तवादी बनाने के क्या करते हैं, उनकी विचारधारा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक तरीके से अगर आपकी जीवन की स्वतंत्रता है तो आपकी सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, ठीक है। आपको कई प्रकार के जो भी आपको जीवन जीने के लिए अधिकार चाहिए, चाहे नींद का अधिकार हो, चाहे धूप का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, सब कुछ आपको एक गरिमामय जीवन जीने के लिए जितने भी अधिकार चाहिए वो आपको इस आर्टिकल में दिए गए हैं, इस आर्टिकल के द्वारा उनको आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको और हम देखते हैं डिटेल में। देखिए भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तथा संरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। किसको सुनिश्चित किया गया है? प्राण और दैहिक, मतलब आपके लाइफ को सुरक्षित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में ये स्पष्ट किया है कि ये प्रावधान एक मानवाधिकार के चार्टर की भांति है। मानवाधिकार हमने कहा था ना कि जो आपकी, अगर आपने जन्म लिया है तो प्राकृतिक रूप से आपको जीवन जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो मानवाधिकार होते हैं, तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है अपने निर्णय में कि ये जो अधिकार हैं ये मानवाधिकार के चार्टर की भांति हैं, और जिन अधिकार जितने अधिकार मानवाधिकार के नाम पर दिए जाते हैं वो सभी इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि न्यायपालिका ने प्रेजेंट में जो निर्णय दिया है ये तुरंत नहीं दिया है, समय के साथ में अलग अलग निर्णयों में अपने ये उन्होंने विचार अपना ये मन बनाया है, ठीक है। एक गोपालनवाद आया था सबसे पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आर्टिकल 19 को इससे अलग माना, आर्टिकल 19 को इससे अलग माना, मतलब ये आर्टिकल 19 अलग है, आर्टिकल 21 अलग है, इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है उसका अलग दायित्व है, इसके जो स्वतंत्रता दी गई उसका अलग केस है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है।
लेकिन जब मेनका गांधी ने 1978 में याचिका दायर की तो मेनका गांधी बाद में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसी ही सर्व स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 21 में दी गई है वैसी वो उसको हमेशा आप आर्टिकल 19 के साथ में देखेंगे, मतलब 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो जितनी भी मिली हुई हैं वो भी 21 के दायरे में आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 21 पहले अपने से ही आप में पहले से बहुत बड़ा था, लेकिन 21 को अगर 19 के साथ में आप पढ़ने लगेंगे तो इसमें जितनी स्वतंत्रताएं आपको मिली वो सारी की 6 स्वतंत्रताएं वो आपको यहाँ भी मिलने लगती हैं, मतलब ये भी आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जीवन है जो है वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं आरोपित किया जा सकता है, और जितने जीवन जीने के लिए अधिकार मानवाधिकार आपके लिए आवश्यक हैं उन सभी अधिकारों को कौन उपलब्ध कराएगा, सरकार उपलब्ध कराएगी, संवैधानिक दायरे में रहकर उपलब्ध कराएगी, क्योंकि संविधान में उनको प्रॉपर वे में स्पष्ट किया गया है। और आगे चलकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई चीजों को जोड़ते रहे, जैसे मान लीजिए लव मैरिज होती है लोगों में, खाप पंचायत बैठ जाती है कुछ राज्यों में, तो ऐसा क्या होता है, ये क्या लीगल है, लीगल तो है ही नहीं, आपको प्यार मोहब्बत करने की पूरी स्वतंत्रता है वो भी इसमें आती है, निष्ठा का अधिकार आपको इसमें आ जाता है, जो भी सोने का अधिकार आप चाहें सोने का अधिकार भी आपको इसमें दे दिया जाता है, जो भी अधिकारों की आप बात करते हैं स्वच्छ जलापूर्ति का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, हर एक अधिकार इसमें आपको दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का तात्पर्य गरिमामय जीवन का अधिकार है, न कि पशुवत जीवन का अधिकार है, एक पशु भी तो जीवन जीता है लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो एक गरिमामय जीवन है, और उस गरिमामय जीवन को जीने के लिए आपको जितने अधिकारों की आवश्यकता होगी वो अधिकार आपको दिए जाएंगे, किसके द्वारा, अनुच्छेद 21 के द्वारा, ठीक है। और इसके दायित्वों को समय समय पर और अधिक बृहद परिपेक्ष में कौन बताता रहता है, सुप्रीम कोर्ट बताती रहती है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा गोपालन बाद में क्या कहा, आर्टिकल 21 में आर्टिकल 19 शामिल नहीं जाने के कारण उतना 21 को महत्वपूर्ण नहीं माना गया, लेकिन जब 1978 में मेनका गांधी वाद में यह माना गया कि आर्टिकल 21 का क्षेत्र बहुत व्यापक है और आर्टिकल 19 भी इसमें अंतर्निहित है, मींस 19 और 21 साथ में है, मतलब इसका व्यापक क्षेत्र हो गया, कहीं ज्यादा क्षेत्र हो गया, इसमें निष्ठा भी शामिल है, जलापूर्ति भी शामिल है, पर्यावरण भी शामिल है, प्यार मोहब्बत, मनपसंद विवाह, नींद लेना, इच्छा मृत्यु, सब कुछ इसमें शामिल है, ऐसी कोई भी अधिकार नहीं है जो एक आपको जीवन जो जीना है गरिमा में उसमें ना रहे, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि यह मानवाधिकार के चार्टर की भांति है, मानवाधिकार के सभी अधिकार इसमें शामिल है, न्यायपालिका किसी भी नागरिक के विरुद्ध युक्तिकरण रूप में कठोर रवैया तो अपना सकती है, लेकिन उस कठोर रवैये के लिए भी अगर आपको अपनाना है तो एक प्रॉपर वे में पर्याप्त आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तभी आप उसके विरुद्ध कठोर रवैया अपना सकते हैं। और नागरिक अधिकार के विरुद्ध अगर जीवन की जो स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 आपको ये स्वतंत्रता देता है। अब कुछ इससे जुड़े हुए मुद्दे आ जाते हैं, जैसे जब आधार लाया गया तो आधार में आप अपनी आंखों रेटिना का पूरा वो दे देते हैं, डिटेल्स दे देते हैं, हाथों का फिंगरप्रिंट्स का सब कुछ दे देते हैं, आपका एक एक डिटेल तो चला जा रहा है आधार में, तो निष्ठा के अधिकार क्या हुआ, कई बार उसका दुरुपयोग हो सकता है ना, तो एक ये मुद्दा बन जाता है कि आधार संकल्पना जो है वो निष्ठा के अधिकार का जो हमारे है वो दुरुपयोग है, तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया। इसी तरह से इच्छा मृत्यु की अगर बात की जाती है तो कई बार किसी की लाइलाज बीमारी होती है तो उसको कहीं ज्यादा पेन होता है, तो जीवन उसका उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु है, ठीक है। तो लेकिन अगर इस तरह से अगर हम इच्छा मृत्यु को अलाउ कर दें तो क्या होगा, अभी हमने कहा ना प्यार मोहब्बत वाली बात है खाप पंचायत की, तो भाई ये लोग तो पहुंचेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भैया इसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिया कहीं से और बोले कि इसकी हालत बहुत खराब है, इसको इच्छा मृत्यु दे दो,
तो यहां से भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से बहुल संस्कृतिवाद और समाज में एक यूनिवर्सल सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये सारे भी मुद्दे हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में हम जो करेंगे इन्हीं कुछ मुद्दों की बात करेंगे जिससे आपके पास एक राइट अप कंटेंट रहे जो आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ये हमारे अभी क्या हो गया, आर्टिकल 21 तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। इतना डिटेल में हम फंडामेंटल राइट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक बार फंडामेंटल राइट्स का समझ कर लिया तो आप पूरे संविधान की भावना को समझ सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता के लिए ही तोड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए ही तो जीते हैं, और क्या आपके अधिकार हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। और यही इसीलिए हम इसको बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो आर्टिकल 21 से जुड़े जो भी इस तरह के मुद्दे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको हम देखेंगे। अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो वो ऐसे मुद्दे हैं जो और भी भविष्य में घटनाएं होती हैं तो उनसे आप जोड़कर जो उनके पॉइंट्स हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है।